ये फेसलेस निशेष पे चैनल स्टार्ट करो और 2024 में ग्रो होने से यूट्यूब अल्गोरिदम तक आपको रोक नहीं सकता, जिसमें से ये नंबर 3 वाली मेरी पर्सनल फेवरेट है, नंबर 5 वाली तो एकदम अमेजिंग है। और हाँ, गेमिंग, टेक, फैक्ट, यही सारे पुराने नीश नहीं बल्कि कुछ सीक्रेट हटके नीश है, जहाँ आप जीरो से हीरो आराम से बन के ग्रो हो सकते हो। चल बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया, अब चल वीडियो शुरू कर। तो सीधा जाते हैं नंबर 1 नीश पे, वो है रिडल एंड क्विज। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे सिंपल वीडियोस बनाकर काफी फॉरेन क्रिएटर जैसे पावर क्विज, क्विज ब्लीड जैसे चैनल काफी बढ़िया व्यूज तो छाप ही रहे हैं, वो भी मंथ में ओनली 5-6 वीडियो डालकर भी लगभग 3,000-4,000 डॉलर अर्न कर रहे हैं। और फन फैक्ट तो ये है कि ये निश में भर भर के कंटेंट बना सकते हैं तो भी ये लोग उतना वीडियोस नहीं बनाते, उसके बावजूद भी 3,000-4,000 डॉलर अर्न कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन, अगर आप 15 कंटेंट भी एक मंथ में बनाते हो और आपका चैनल मोनिटाइज हो गया है, तो एक मंथ में जो आपको पैसा मिलेगा ना, उसके बाद तो बस आप यही बोलोगे पैसा ही पैसा होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया में काफी कम क्रिएटर है ये निश में, सो आप इसमें काफी इजीली ग्रो सकते हो। और इससे इजी चैनल निश तो मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा, जिसमें बेसिक एडिटिंग स्किल्स है एंड रिडल्स क्विज तो आपको चैट जीपीटी बाबा या गूगल से भर भर के मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो के एंड में एक बोनस टिप है, जिसमें ये सारे निशेस की वायरल स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है, जिससे आपका चैनल ग्रो होना फिक्स है। सो वॉच टिल द एंड। ये एक कॉपी पेस्ट चैनल आइडिया है, जिसमें तुक्के से भी आप काफी फास्ट ग्रो हो सकते हो, जैसे कि ये चैनल है जो सेलिब्रिटीज के मूवमेंट एंड छोटे छोटे क्लिप को वॉइस ओवर देके काफी बढ़िया व्यूज ले रहे हैं। साथ में अर्निंग तो शॉकिंग थी, जो मैंने सोचा भी नहीं था इतनी ज्यादा होगी। फन फैक्ट ये है कि मैंने देखा है गाइस कि स्पोर्ट्स में मेसी, CR7 के मूवमेंट्स एंड क्लिप पे लोग कितने भर भर के वीडियोस बनाते हैं। सो आपको वो निशेस में काम करने के बदले यहाँ ऐसे निशेस पे वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन भी मीडियम है। लेकिन ऐसे निशेस में चैनल मोनेटाइज होगा क्या? एब्सोल्युटली यस। अगर आप 25-30 सेकंड की वीडियो क्लिप यूज करते हो और बीच बीच में इमेजेशन अपना वॉइस ओवर देते हो, तो मोनेटाइज होगा ही। और अभी मैं जो नीश बताने जा रहा हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड अभी के टाइम सबसे ट्रेंडिंग नीश में से एक है। लेकिन उसके पहले, क्या गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं तो कर दो ना यारो, या आपके GF की ID हैक करा के उसे सब्सक्राइब करवाओ। भाई ऐसे गंदा मजाक मत करो यार, इतने सालों से सिंगल पड़ा हूँ। आज के टाइम AI के बारे में हर किसी को सीखना है, क्योंकि AI लोगों के जॉब्स तक ले रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप इस पे चैनल बना सकते हो। लेकिन हमको AI टूल्स का यूज करने ही नहीं आता, तो हम बाकी को क्या सिखाएंगे? सो इसका भी सिंपल सॉल्यूशन है, आप फॉरेन कंट्रीज के क्रिएटर के AI ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हो, उनसे सीख के खुद का चैनल पे ऐसे ही AI टूल्स के वीडियो बना सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत उनके कॉपीज कर भी लेते हो वीडियो क्लिप, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा कॉपी मत करना। साथ में AI अनकवर्ड करके एक चैनल है, जो बस AI रिलेटेड न्यूज एंड थोड़ी बहुत ऑटोमेशन के वीडियो बनाता है, जो महीने का 1,00,000 रुपया आराम से कमा रहा है, जो आप भी कमा सकते हो ये निश पे चैनल खोल के। Niche for exploring, ये एक ऐसी निश है जो आप YouTube, Insta सब जगह से ट्रैफिक ले सकते हो। जैसे ऐसे कुछ क्रिएटर है जो हर सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, फेमस प्लेसेस इन सिटीज एंड फूड एंड ऑल। और ऐसे वीडियो आपको भी बनाना है, जिसमें आपको बस करना कुछ नहीं है, सिंपली Pixabay, Pixel जैसे एप्लीकेशन वेबसाइट है जहाँ से आपको नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस एंड वीडियोस मिल जाएंगे। बस बाकी कंटेंट के लिए आपको गूगल पे वो पर्टिकुलर सिटी के बारे में सर्च करना है, वहाँ फेमस क्या है और उसकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और बस उससे स्क्रिप्ट बना के वॉइस ओवर देना है। बाकी वीडियोस तो दूर की बात है, ये चैनल ही पूरा एवरग्रीन है, क्योंकि लोगों को जहाँ भी जाना होता है वो सिटीज के बारे में सर्च तो करते रहते हैं, तो काफ़ी एवरग्रीन नीश है जिसमें आप व्यूज भर भर के ले सकते हो। और गाइज, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं 2024 में ग्रो होके ही रहूंगा। Niche 5 स्टोरी वीडियोस,
ये निश में व्यूज की तो कुछ सीमा ही नहीं है, जो आपको भी बताए आज के टाइम ऐसे एनिमेटेड स्टोरी वीडियोस काफी क्रिएटर बनाते हैं और बढ़िया व्यूज के साथ अर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम एआई टूल से एनिमेटेड वीडियो बनाना काफी आसान हो चुका है, जो आप भी डेफिनेटली कर ही सकते हो। अगर नहीं करना है तो इसका अल्टरनेटिव भी तुम्हारे भाई ने ढूंढा है, इस बात पे एक लाइक जरूर करो। जैसे मिस्टर नाइट में चैनल है जिसमें वो ओनली वॉइस ओवर एंड कुछ इमेजेस स्टॉक वीडियोस का यूज करते हैं, जिससे काफी बढ़िया व्यूज ले ही रहे, और इनके ही कॉपी करके काफी क्रिएटर है जो बस स्टोरी वीडियोस में ओनली इमेजेस एंड वीडियोस बनाकर काफी बढ़िया व्यूअरशिप ले रहे हैं। जैसे आप गाइज ये वाला चैनल देख सकते हो, तो भी इनके पास ठीक ठाक व्यूअरशिप आ रही है, और वो भी देखो गाइज हर एक दिन में दो दो एक कंटेंट तो जा ही रहा है, मतलब कि यहाँ कंटेंट की भी कमी बिल्कुल नहीं है। और ये नीच के आइडिया मुझे तो मेरे मम्मी से आई है, क्योंकि मेरी मम्मी हर रोज सोने के पहले कुछ ना कुछ स्टोरी वीडियोस देखती है, जिसमें से ये क्रिएटर की वीडियो मेरी मम्मी हमेशा देखती है। तो मुझे भी एक फैसिनेटिंग का लगा कि आज के टाइम स्टोरी वीडियोस लगभग हर एक एज ग्रुप को देखना पसंद है। साथ में आपको स्टोरी नीच में एक बोनस टिप देता हूँ, आप त्यौहार के रिलेटेड भी स्टोरी वीडियो बना सकते। जैसे इंडिया में काफी त्यौहार आते ही रहते हैं, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, या ऐसे जो भी त्यौहार आएंगे आप उनके बेस पे भी हर एक त्यौहार के रिलेटेड स्टोरी वीडियो बना सकते हो, और हर एक स्टेट के भी अलग अलग अपने फेस्टिवल होते हैं, उनके रिलेटेड भी आप स्टोरी वीडियो बना सकते हो, जो काफी इजीली आपके वीडियोस वो पर्टिकुलर टाइम ट्रेंड भी करेंगे। और हमारे इंडिया में तो फेस्टिवल्स की कमी है ही नहीं, तो पूरा साल ही लगभग आपके लिए ट्रेंडिंग वीडियो से भरा भरा होने वाला है। सो गाइज, अगर आप स्टोरी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो ये नीच तो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपकी रुचि स्टडी में है और जीके में है तो ये नीच बिल्कुल आपके लिए है, जिसमें आप भी इन क्रिएटर जैसे वीडियोस बनाकर काफी अच्छे व्यूज के साथ अर्निंग कर सकते हो। और ये भी एक सर्चेबल और एवरग्रीन नीच है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्टडी करने वाले लोग हमेशा ही स्टूडेंट वगैरह जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा सर्च करते रहते हैं। और गाइज क्विज क्वेश्चंस वगैरह आप अपने गूगल बाबा या चैट जीपीटी से तो काफी इजीली गाइज सारे जीके क्वेश्चन निकाल सकते हो। साथ में इसमें एडिटिंग स्किल भी बेसिक लेवल की ही लगती है। नीच 7 गैजेट रिव्यू, ये एक ऐसी नीच है जिसमें गाइज अर्निंग सबसे ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा हो सकती है ना जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली गैजेट की रिव्यू करने हैं, जो मार्केट में न्यू गैजेट्स आने वाले उसके रिलेटेड रिव्यू करना है, अपडेट्स वगैरह देना है, ऐसे कंटेंट आप बना सकते हो। लेकिन इतना पैसा किसके पास है गैजेट खरीदने का? तो गाइज आपको गैजेट्स वगैरह खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो भी मार्केट में नए गैजेट्स वगैरह आते हैं तो वो पर्टिकुलर कंपनी और उनके वेबसाइट पे वो लोग वीडियोस डालते हैं, बस सिंपली आपको वही वीडियोस कॉपी करके यूट्यूब पे डालना है अपने वॉइस ओवर के साथ, और कॉपीराइट तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि गाइज आप उनका ही प्रमोशन कर रहे हो तो वो लोग कॉपीराइट क्यों देंगे। साथ में जब आप काफी बढ़िया ग्रो हो जाओगे ये नीच में, तो कंपनी वाले आपको एफिलिएट मार्केटिंग का भी गाइज सामने से फीचर अवेलेबल करवा देंगे, मतलब तो आपकी अर्निंग 2x होने ही वाली है। और टेक में तो गाइज RPM इतना हाई होता है जो आप जानते हो, तो आपकी अर्निंग तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। जैसे कि गाइज यो फैक्ट टेक करके एक चैनल है जो सेम टू सेम गाइज ऐसे ही नीच पे काम करता है और काफी बढ़िया पैसे छाप रहे, जो देख सकते हो इतनी ज्यादा अर्निंग तो गाइज मैंने लगभग अभी तक तो किसी क्रिएटर की नहीं देखी इतने व्यूअरशिप में। तो गाइज मैंने आपको टॉप नीचेस तो बता दिए जिसमें आप इजीली ग्रो तो हो जाओगे, लेकिन ये चीज के बिना ग्रो नहीं हो पाओगे, इसलिए है ये बोनस टिप। देखो गाइज अभी दिसंबर मंथ खत्म होने के लिए लगभग 15 दिन तो बचे ही है, जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तब तक 15 दिन तो आपके पास रहेंगे ये वीडियो देखने के बाद भी, तो आपको करना कुछ नहीं गाइज, इनमें से कोई भी एक नीच सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको नीच अच्छी लगती है वो सिलेक्ट करके बस आपको कुछ भी करके ये 15 दिनों में ना एटलीस्ट 4-5 वीडियोस रेडी रखना ही है, एटलीस्ट 3 वीडियो तो रेडी रखो। और जैसे गाइज न्यू साल स्टार्ट होगा, पहले ही दिन आप चैनल क्रिएट करके धनाधन वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करो, फर्स्ट 5 डेज वीडियो अपलोड करो, और ये फर्स्ट 5 डेज में आप आगे के भी कंटेंट सोच के बनाना स्टार्ट कर दो, जिससे आपके पास गाइज रहने वाली है कंसिस्टेंसी, जिससे होगा कि गाइज जो भी ऐसे नीचेस पे वीडियो बनाएंगे ये वीडियो देख के आप उनको इजिली बीट कर सकते हो। क्योंकि गाइज हर एक बंदा लगभग ये वीडियो देख के वो नीच पे चैनल स्टार्ट कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट तो हर कोई रह ही नहीं सकता। तो अगर आपके अंदर सच्ची में वो भूख है ग्रो होने की, तो आप कंसिस्टेंसी के लिए यही मन से स्टार्ट करो, मुझे भूख लगने पे मैं खाना बनाऊंगा, ऐसा गाइज ये फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा, आपको थोड़ा प्री प्लान रहना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो 2024 बिल्कुल आपके लिए है ग्रो होने के लिए, और आप जरूर ग्रो होगे, क्योंकि गाइज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि मैं अकेला नहीं आप सबके साथ ग्रो हूँ और हम सब ग्रो होने वाले। सो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।